खुशी हो या कोई त्योहार हो, इस मौके पर मिठाई खाना तो बनता है, लेकिन बाजार की महंगी मिठाइयों और मिलावटी मिठाइयों से परेशान है तो घर पर ही बिना मावा, बिना घी, बिना कोई तामझाम के इस मिठाई को तैयार कीजिए। ना ही इसमें हम दूध का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन झटपट से ये बन जाती है एकदम मुंह में घुल जाने वाली, बाजार से बढ़िया। नमस्ते दोस्तों, बजट की रसोई में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमने 4 ब्रेड लिया हुआ है, जो व्हाइट वाला नॉर्मली ब्रेड हम खाते हैं वही ब्रेड है, उसके ब्राउन हिस्से को हमें कट कर लेना है इस तरीके से। आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर किया कीजिए। और आप देश के किस कोने से ये रेसिपी देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करें, जिससे कि मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोल सकूँ। तो यहाँ पर हमने सारे ब्रेड की स्लाइस को इसी तरीके से कट कर लिया है, तो ये देखिए इस तरीके से। और ये जो ब्राउन हिस्सा है, इसे फेंकेंगे नहीं, इसे हम नाश्ते में इस्तेमाल कर लेंगे। और मैंने ब्रेड की बहुत सारी रेसिपी अपने बजट की रसोई पर शेयर की है, आपने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर विजिट कीजिए। तो हमें इसे इस तरीके से कट कर लेना है, आप चाहें तो इसे रफली हाथों से भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड को इसी तरीके से कट कर लिया हुआ है, ये देखिए। तो अब इसमें कोई ब्राउन हिस्सा ना रहे, ये बात ध्यान रहे, नहीं तो हमारा जो मिठाई होगा थोड़ा सा उसका कलर बदल जाएगा। यहाँ पर हमने मिक्सर जार लिया हुआ है, मिक्सर जार में हमें सारे ब्रेड के पीसेस को डाल देना है और अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए हमने अच्छे से इसे ग्राइंड कर लिया हुआ है। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब उसी जार में हमें एक कटोरी शक्कर, शक्कर कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर हम 4-5 काजू डालेंगे, काजू से इसकी और टेस्टी लगेगा, रिच बढ़ेगी, फ्लेवर भी बढ़ेगा। यहाँ पर 3-4 हमने हरी इलायची ली है, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमारा शक्कर का पाउडर तैयार है, उसे भी ब्रेड में हमें ऐड कर देना है। उसके बाद हम इसमें थोड़े से जो ये इलायची के छिलके हैं उसे निकाल लेना है। यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच हमने मिल्क पाउडर लिया हुआ है, उतना ही जितना हमने शक्कर लिया था उतना ही यहाँ पर हमने कोकोनट पाउडर लिया हुआ है या नारियल का बुरादा। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है, इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरीके से हमें मिला लेना है। अब हमें एक काम और करना है, जो हमारे पास ताजी मलाई वाला दूध होता है ना, वही दूध की मलाई को थोड़ा थोड़ा करके इसमें हमें ऐड करना है, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं ऐड करना है, नहीं तो ये जो हमारा डो ढीला बनेगा और हमारी मिठाई परफेक्ट नहीं बनेगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से इसे मिला लेना है। थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर दूध को, सॉरी, दूध के मलाई को मिलाएंगे। तो इसी तरीके से हमें इसे मिलाते जाना है, ध्यान रहे कि एक साथ ना मिलाएं। तो ये देखिए एकदम डो जैसा ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम थोड़ा मल के उसके बाद रेस्ट के लिए रख देंगे। आप इसे ऐसे ही मिठाई जैसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसके लिए फिलिंग्स बनाएंगे। तो ये देख रहे हैं तो अच्छा आराम से बाइंडिंग हो जा रही है, लड्डू जैसा शेप आ रहा है। तो जिस मिक्सचर जार में हमने सारी तैयारियां की थी उसी में भी हम 4-5 यहाँ पर बादाम, 4-5 यहाँ पर काजू ले लेंगे। आप चाहें तो पूरे ड्राई फ्रूट, जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास है आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 ड्राई फ्रूट लिया हुआ है, और ये नॉर्मली हमारे पास बिस्किट है, या आप चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं या चॉकलेट सेक सकते हैं, जो भी इसकी फीलिंग्स आपको पसंद आए वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिस्किट लिया हुआ पार्ले जी का, ये नॉर्मली हमें आसानी से मिल भी जाता है, इसीलिए मैंने इसे यूज़ किया है। आप पूरे ड्राई फ्रूट के साथ भी इसकी फीलिंग्स को बना सकते हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें यहाँ पर
दूध का जो मलाई है उसे मिला देना है। उससे पहले ध्यान रहे कि जो बड़े पीसेस ड्राई फ्रूट के हैं उसे निकाल लेना है। इस तरीके से मैंने थोड़े थोड़े मिलाए हुए हैं दूध को, जैसे हमने डो तैयार किया था उसी तरीके से इसे भी तैयार कर लेना है, एक साथ नहीं डालना है। और जो डो है उसमें से थोड़ा सा भाग हमने यहाँ पर ले लिया हुआ है, इसमें ऐड कर दिया हुआ है। इसे हमें थोड़ा सा ऐसे डो जैसे ही बना लेना है। तो यहाँ पर मैं हल्का सा 1 पिंच कलर फ्रूट डाल रही हूँ, ऑरेंज कलर का, ये ऑप्शनल है, मुझे वीडियो शूट करना था तो मैंने डाल दिया, ये कम स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हल्का सा कलर आ गया है ये, और आराम से ये बाइंडिंग भी हो रहा होगा एकदम लड्डू जैसा। बस हमें ऐसा ही चाहिए हमारा डव, अब इसे लड्डू जैसे बनाकर ले लेंगे। तो बहुत बड़ा नहीं बनाइए क्योंकि हमें इसके फिलिंग है और बना के तैयार करना है। तो जो हमने डव पहले तैयार किया था उसे इस तरीके से जैसे कचौरी भरते हैं उसी तरीके से हमें इसे भर के ले लेना है। तो देखिए हमने बना लिया, फिर इसे हथेलियों के बीच में गोल गोल करेंगे, सर्कल करेंगे और इस तरीके से हल्का सा प्रेस करेंगे और तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से मैं एक और आपको दिखा रही हूँ, सेम करेंगे और हथेलियों को नीचे जैसे हम कचौरी बनाते हैं वैसे ही करना है। अंदर की तरफ अंगूठे को रखकर साइड में बड़ा करना है और इस तरह की फिलिंग भर के हाथों को हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो ये आपकी बनकर तैयार हो गई है मिठाई। तो चलिए सर्व कर लेते हैं फटाफट इसे। आप रक्षाबंधन में कौन सी मिठाई खाना पसंद करेंगे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए, तो ये हमने बनाकर तैयार कर लिया, आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। थोड़े से आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं, या चांदी की जो पेपर्स आते हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं बिना तामझाम के अगर बनाना है। तो ये देखिए ये तैयार है आपकी मिठाई, लेकिन थोड़ा सा मैंने यहाँ पर फ्रूट कलर ऐड किया हुआ है जिससे ये मिठाई दिखने में खूबसूरत लगेगी, और जो चीज़ खूबसूरत लगती है वो खाने में उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आप यहाँ पर चाहें तो केसर भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर दूध में हल्का सा गरम करके उसमें भिगाएंगे तो इस तरीके का कलर आ जाएगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और फेसबुक पर अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। ये देखिए कितने आराम से हमारा ये मिठाई कट रही है। इसे थोड़े से अगर 5 मिनट के लिए फ्रिज में अपसेट होने के लिए रख देंगे तो बहुत ही एकदम बाजार जैसी हमारी मिठाई दिखने में भी लगेगी, खाने में तो बाजार से बढ़िया है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।